कंटिन्यू चले हैं, कहीं नहीं रुके। वाओ ब्यूटीफुल, सुंदर है चंबा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुड़की। आज हमारा उत्तराखंड राइड का डे टू है गाइस। तो कल हम लोग पहुंच गए थे रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब यहां पहुंचे थे। तो बस आज अभी सो के उठे हैं और नहा लिए हैं, बस अब निकलने के लिए रेडी हैं थोड़ी देर में। तो यहां हम लोग गाइस रुड़की में युवराज भाई के घर पे आके रुके हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आज आप मिल रहे हैं युवराज भाई से। कल एक्चुअली सिर्फ एक्शन कैमरे से ही हम मिले थे, क्योंकि रास्ते में हम कहीं रुके नहीं, तो बात हुई नहीं, उसके बाद अंधेरा हो गया था। तो आज मैं आपके इंट्रो करा रहा हूँ युवराज भाई से। तो युवराज भाई, फिर आज की जर्नी हमारी बहुत मस्त रही है ना। और कल नाइट में पहुंचे हम 9 बजे, 9:30, हाँ 9:30 हो गए, लेकिन जर्नी बहुत मस्त थी। वेलकम किया था, क्योंकि रात की मैक्सिमम पंचकुला के बाद तो हमारी सारी जो जर्नी रही वो रात की रही। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी हर्षिल तक। तो कोशिश करेंगे हम लोग आज यहाँ से हर्षिल पहुँचे। तो हर्षिल का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से गूगल मैप 350 किलोमीटर बता रहा है, तो जिसमें 10 घंटे की जर्नी है ये। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दोस्तों। तो आगे हैं गाइस अब हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे, और भाभी जी ने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हलवा बनाया है भाभी जी ने, और क्या बनाया है, पनीर, ये मटर पनीर बनाया है, साथ में ग्रीन चटनी है। तो आज तो मजा आ जाएगा भाई साहब, घर का खाना और वो भी इतना टेस्टी खाना ट्रिप में मिल जाए तो और क्या चाहिए। बल्ले बल्ले है हमारी, टाइम हुआ है मेरे ख्याल 8:10 हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 8:40 के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। तो डेढ़ से दो घंटे मैक्स लगा लीजिए आप कि हमें ऋषिकेश पहुँचने में लगेगा। तो तकरीबन हम लोग 10:30 के करीब, 10:30-11 के बीच हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, और उसके बाद सर आगे की जर्नी करेंगे कंटिन्यू। अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग आज कहाँ स्टे करेंगे, जहाँ भी शाम हो जाएगी 4 बजे के आसपास हम लोग ले लेंगे होम स्टे, होटल जो भी हमें मिलेगा। हम लोग आ गए हैं रुड़की हरिद्वार नेशनल हाईवे पे, ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। अब ये आ गया है 4-lane road। ये सारा रास्ता हरिद्वार से दिल्ली तक 4 lane है गाइस, बहुत बढ़िया रोड बने हुए हैं। वो देखिए ऊपर दिख रहा है गाइस, मनसा देवी टेम्पल है फेमस यहाँ का, वो सामने ऊपर दिख रहा है। और इस टाइम हम लोग हर की पौड़ी वाले रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस टाइम हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में हम इस टाइम हर की पौड़ी के नज़दीक हैं बिल्कुल। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हर की पौड़ी वाला ब्रिज है। टाइम हो गया है 9:40 हो गए हैं। तो हम लोग देखिए 9:45 चले थे रुड़की से, तो 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं। तो बहुत बढ़िया रोड है, हाईवे रोड है, 4-lane road है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहां से 25 किलोमीटर है गाइस ऋषिकेश। तो मैं आपको यहां से नज़ारा दिखाता हूं, उसके बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। बस थोड़ी देर में अब हम लोग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। बाइक का टैंक भी फुल करवाना है, हमीरपुर में करवाया था, वहाँ 1381 रुपीज़ का, लगभग 1400 रुपये का समझिए आप, तेल डाला था। तो अभी भी दिखा रहा है तेल, तो 3 डंडे अभी देखते हैं कितना तेल डलेगा। मेरे हिसाब से 1200 रुपये का तेल डलेगा। और अब हम लोग डलवाते हैं यहाँ पर, 8 लीटर अभी तक डल चुका है यहाँ पर है ऋषिकेश में तेल, 93.77। अब
हम लोग ऋषिकेश से ऊपर आ गए हैं पहाड़ों की तरफ। यहाँ से गंगोत्री अभी 230 किलोमीटर के करीब है। ओह माय गॉड, क्या एक्सीडेंट है। ओह माय गॉड, ये जो आप देख रहे हैं सामने शहर, ये है चंबा। ये चंबा है, गढ़वाल वाला चंबा। ये भी अच्छी जगह है, हाइट पे है काफी। अभी उत्तरकाशी 85 किलोमीटर है और दिन का 1 बज गया है, तो अभी 85 किलोमीटर में भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि रोड की कंडीशन अब थोड़ी ख़राब आ गई है। जगह जगह कच्चा रोड है, वाइडेशन का काम चला हुआ है, तो काफ़ी टाइम लग रहा है। इस वजह से मुझे लग रहा है आज हमारा नाइट स्टे जो होगा वो उत्तरकाशी में ही होगा। हम पिछले 40 किलोमीटर से रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पत्थर ही पत्थर हैं, बुरी हालत होगी, कहीं कीचड़ कहीं स्लश। 60 किलोमीटर तक ही रोड ठीक था, उसके बाद रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये एक्चुअली लाल वाली जो मिट्टी होती है ये गीली होके बहुत स्लिपरी हो जाती है, ब्लैक आइस की तरह काम करती है। ये भी टायर घूम जाता है इसके ऊपर से, आप कितनी भी स्लो स्पीड में क्यों ना हो, तो बहुत ध्यान से केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। अभी हम लोग पहुंचे हैं उत्तरकाशी से कोई 50 किलोमीटर पहले हैं अभी हम, और यहाँ रुके हैं। यहाँ नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, तो जब से हम लोग ऋषिकेश से चले हैं ये हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं और व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से, टिहरी डैम दिख रहा है यहाँ से। गाइस मौसम बहुत ठंडा हो गया है और बड़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ से, और उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो गांव दिखते हैं पहाड़ों पर से ना, उनका तो मतलब कहना ही क्या। युवराज भाई कैसा, आपने एंजॉय किया राइड को? बहुत है ना, मतलब नज़रें तो जो हमारी थी वो पहाड़ों के ऊपर ही थी। पहाड़ों के ऊपर थी, मतलब ठीक है, रोड काफी मस्त है। हाँ। बीच बीच में थोड़ा अप डाउन चल रहा है लेकिन एंजॉय हो रहा है। हाँ। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल ऑफ रोडिंग का तो अपना ही मजा है, जहाँ बीच में आता है थोड़ा अच्छा सा लगता है। सही बात है बिल्कुल। अच्छा पता क्या होता है दूसरा, प्लेन रोड पे भी बाइक चलाते रहो ना, उसका मजा नहीं आता, एडवेंचर ही नहीं होता, कैसे खुल जाती है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है गाइस कि हम लोग किसी एडवेंचरस राइड पे चले हैं, तो ये भी जरूरी है, ये भी पार्ट ऑफ राइड है। तो गाइस अब आपको हम ना यहाँ का नजारा दिखाते हैं। रासू बैंड 6 यमुनोत्री 115। दोस्तों इस टाइम हम धरासू से निकल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं धरासू को। बहुत मजा आता है ऐसे रास्तों पे, खासकर बाइक राइड करने का। तो जहाँ रोड बढ़िया है वहाँ बहुत बढ़िया है, और जहाँ ख़राब है वहाँ थोड़ा बहुत ख़राब भी है, बट अभी एक दो साल और लग जाएंगे इसको ठीक होने के लिए, उसके बाद तो बहुत मस्त हो जाएगा। ये है कि यहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है लंबगांव घनसाली गंगोत्री इधर से श्रीनगर के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी नीचे की तरफ से, ऊपर वाला मेन जो रास्ता है वो बंद है, तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया रास्ते को। और ये देखिए ये सारा उत्तरकाशी है जो आप देख रहे हैं, वाओ कितना सुंदर ब्रिज। दोस्तों 4:30 बज गए हैं इस टाइम शाम के, और हम लोग उत्तरकाशी से जस्ट 2 किलोमीटर आगे आए हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ कि हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि हम पीछे से देखते आ रहे थे
ठंडा है ना, काफी ठंडा भी है और होम स्टे और होटल बंद हैं सारे। नॉर्मली सीजन ऑफ हो चुका है तो बहुत ही रेयरली खुला है। हाँ, ये भी होम स्टे ऑलरेडी बंद था ये भी हम लोगों ने खुलवाया गाइस। और इसमें इसके साथ वाले यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी सारे बंद है। तो जो है इसमें भी हम ही अकेले हैं, बाकी कोई नहीं है। सरावस्ती इन, इसमें होम स्टे में हम लोग ठहरे हैं। अभी हमने जस्ट रूम लिया है, आपको भी रूम दिखाते हैं गाइस। और यही हमारे बाइक्स हैं, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से है। देखिए गाइस, ये है गाइस रूम, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रूम है। और ये है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन है। ये है रेस्टोरेंट इनका यहाँ पे। हम लोगों ने अब मंगा लिया है बटर और ब्रेड, भूख लगी थी यार बहुत जोर के, पेट खाली हो गया था बिल्कुल। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था बस, उसके बाद हमने कुछ ही नहीं खाया क्योंकि रुके ही नहीं हम कहीं। तो चाय है गरम गरम, अदरक वाली चाय, मजा आ गया। टाइम 6:30 होने वाले हैं, हम लोगों ने चाय जी पी ली और ब्रेड वगैरह तो हमने खा लिया था। और अभी मैं डाटा ट्रांसफर का काम कर रहा हूँ तो अभी इसमें तकरीबन और टाइम लग जाएगा काफी। और उसके बाद खाना ऑर्डर किया हमने, 8:30 तक हमारा खाना आ जाएगा। और बहुत मजा आया आज की राइड में, क्यों ब्रेड भाई, बहुत मजा है ना, सच मजा आ गया खुद। हाँ, एक अलग लेवल था, मतलब ये जो रोड थी मैंने इस बार मतलब फर्स्ट टाइम देखा। हम ट्रिप पे पहले भी गए हैं इनके साथ, इससे भी एडवेंचर ट्रिप किया है, लेकिन इस बार मतलब हर 2 किलोमीटर बाद लैंडस्लाइड, मतलब। अच्छा, और एक चीज और आपने नोटिस की आज, जब आज हम आ रहे थे तो जहाँ जहाँ भी गीला था उसकी वजह से ना, उसकी वजह से और नीचे लाल मिट्टी थी, नीचे लाल मिट्टी, तो वो बहुत रिस्की हो जा रहा था, टायर स्लिप हो रहा था, उसका आप जजमेंट नहीं कर पा रहे थे। कि एक बार तो जब मैं निकला हूँ मिट्टी थी, एक बार मेरा ऐसे हुआ टायर, तो मैं तभी समझ गया फिर आगे मेरा प्रॉब्लम हो गई। बट मतलब बहुत ही मजा किया गाया होता है। और पूरा दिन हम लोग चले रहे और फाइनली हमें होटल भी बहुत बढ़िया मिल गया। एक चीज और दोस्तों, क्या हमारे यहाँ रुकने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि 4 बज गए थे, ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी यहाँ आगे, और 4:30 हो चुके। हाँ जी, और उत्तरकाशी में जो थे होम स्टे और होटल सारे बंद थे, कहीं भी नहीं होटल मिल रहे थे। तो हमने कहा कि अगर हम आगे यहाँ से गए, यहाँ से 90 किलोमीटर गंगोत्री है और रास्ते में हमें अंधेरा हो जाएगा, और कहीं अगर वहाँ भी होम स्टे बंद हुए और हमें ना मिले तो हम फिर ना आगे के रहने थे ना पीछे के, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम थी। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, बल्कि ये होटल भी बंद था, फिर हमने उनको कॉल करके बुलवाया और खुलवाया होटल, तो हम यहाँ रह गए। लेकिन ठंडा भी बहुत है, लेकिन फिर आए हम फ्रेश हुए, नहा धो के आए, बहुत मजे, थकान तो उतर गई, नहा धो के सही बात है, गर्म गर्म पानी से नहाए दोस्तों, सही बात है, है ना, तो बस रजाई से उठने का मन नहीं करता, सही है। लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये नीचे बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए। अब डिनर का टाइम हो गया है और 9:00 है, तो डाटा वगैरह ट्रांसफर हो गया, हम लोगों ने सारा जो था काम अपना हमने निपटा लिया और इस टाइम 9:00 हुए हैं। थैंक यू। तो बस अब डिनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ बनी है डिनर में चने की दाल, है ना, चने की दाल बनाई है, अरहर मलका। ओके, तो अरहर और मलका की दाल है, मिक्स वेज है, राइस है, सैलेड है। अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।